नमस्कार, मैं शुभम। अतुल्य भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुखी कैसे रहा जाए, और सभी चिंतन करते हैं इसी विषय में कि कैसे सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे दुख को टाला जाए। तो चाणक्य जी हैं, उनका एक श्लोक है, बड़ा ही सुंदर छोटी सी श्लोक है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यहाँ पंडित का बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे सुखी रहा जाए, अगर इसका चिंतन करेंगे तो मातृवत परदारेषु, यानी जो दूसरी औरत है उनको माँ के नज़रिया से देखें। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, यानी दूसरे का जो सामान है उसको कीचड़ जैसा, पत्थर जैसा देखें। और सर्वभूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सभी को अपने समान देखे, कि मुझे जैसे दुख होता है सभी को ऐसा दुख होता है, मुझे जैसे सुख होता है सभी को ऐसे सुख होता है। ये चिंतन अगर कोई अपने दिल में बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, तो वैसा आदमी ही जीवन में, लौकिक जीवन में सुखी हो सकता है। तो इस पर अगर हम सभी अमल करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें लगता है कि इंसान ये छोटी छोटी चिंतन के द्वारा सुखी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।